इस तरह से मारा जाता है क्या? सरकार के सामने में बम फोड़ा गया, अभी हमको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हेमंत के गुंडे, हाँ, जिन्होंने वो गुंडे रखे हैं पुलिस, हाँ, के रूप में जो गुंडे हैं, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ, जो युवा आए हुए हैं, जो अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं, उनको रोकने की काम कर रही है। और ये जो सरकार है ये जल्द ही खत्म होने वाली है, इस बात का संकल्प लेकर हम सभी युवा पूरे झारखंड से, पूरे प्रदेश से आने का काम किए। क्या ये गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं लोगों के ऊपर? ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर किए जा रहा है। जो ये प्रशासन है पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के इशारे पर ये काम हो रही है। चलिए, साफ तौर पर तस्वीर भी हम आपको दिखाने का कोशिश किए किस हिसाब से युवाओं के ऊपर जो है आंसू का गोले छोड़े जा रहे हैं, जो है पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन उसी जोश में युवा लोग जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, उसी जोश में, वही जुनून में एक एक युवा जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कब क्या हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। थोड़ा सा इधर, कुछ भी क्या हो रहा है मैडम, यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए यहाँ पे कैसा तानाशाह सरकार बनी हुई है, हाँ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ, हाँ, अपनी बातों को रखने का अधिकार हर कोई को है, यहाँ एक तो युवाओं के साथ छल हुआ, हाँ, 5 लाख नौकरी देने वाली सरकार, हाँ, जब विफल रही तो आज युवा रोड पर उतर गया अपनी बातों को रखने के लिए, उसे कैसे गोलियों से, आप देख सकते हैं कि कैसे गोली चला रही है सरकार, युवाओं की आवाज दबाने का, लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये सरकार। साफ तौर पर क्या स्थिति बन चुका है, यहाँ पर एक एक लोगों को जो है खेदड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसा तस्वीर है, कैसा स्थिति हो चुका है। ये देखिए, ये सामने में देखा, ब्रैकेट को तोड़ दिया गया है, ब्रैकेट, ये देखिए, ये रास्ते से पर जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट को तोड़ दिया गया है, जो ब्रैकेट लगा हुआ था, हाँ, पैसे सैनिकों में भर्ती हो जाए तो पाकिस्तान अपना होगा। ये देखिए, साफ तौर पर देखिए, ब्रैकेट आपको नजर आ रहा होगा, युवाओं के अंदर आक्रोश है, ये आक्रोश, ये देखिए, ये देखिए, ये चारों तरफ जो है गोले फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ताकि युवा जो है मोहराबादी मैदान छोड़कर भाग सके। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, इधर आज कार्यकर्ता लोगों के हाथों में कई डंडा भी नजर आ रहा होगा, युवाओं के हाथों में जो है बांस भी नजर आ रहे होंगे। ये बांस क्या है, क्या है? फेंका हुआ लिए। चलिए, ये एक एक लोगों के अंदर दो जो है कार्यकर्ताओं के बीच और प्रशासन के बीच जो है जोरदार लाठी के चार्ज की संभावना बन चुका है, लाठी चार्ज जो है किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं युवाओं के ऊपर। साफ तौर पर तस्वीरें देखिए, कैसे तस्वीर, युवा फिर भी युवा जो है डटे हुए हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है आज हमारा झारखंड का। आइएगा थोड़ा सा विकास जी, स्थिति आप साफ तौर पर आप देख चुके हैं, क्या स्थिति है, क्या है? गुस्सा, युवा जवाब मांग रहा है, ये लाठीचार्ज कर रहा है, मुख्यमंत्री को आके युवा से बात करनी चाहिए थी। आंसू गैस, किस तरह लाखों युवा आए हैं झारखंड के कोने कोने से और उनके रोक रहे काम कर रहे हटना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने झूठे वादे युवाओं से किए थे, आज झारखंड का युवा, आप लोग बिना अनुमति के आगे बढ़ रहे हैं, सम्मेलन का अनुमति है, रैली की अनुमति नहीं। आप क्या बात कर, झारखंड के युवा को अपने मुख्यमंत्री से बात करने के जवाब मांगने के लिए अनुमति चाहिए? अरे उनको आना चाहिए था, युवाओं से बात करनी चाहिए थी, लाखों युवा है। इन्होंने ये जिस प्रकार से कटीले तार बांधे गए थे, ये घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे, जिस प्रकार से स्थितियाँ झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सुधर संभाल नहीं पा रहे, लेकिन युवाओं को किस तरीके कटीले तारों से रोका जा रहा है? ये देखिए, क्या स्थिति बनकर, क्या स्थिति बनकर
देखिए स्थिति नहीं है, ये सोच रहे डर जाएंगे, युवा डरने वाला नहीं है। ये आंसू गैस छोड़ रहे हैं, लेकिन आंसू गैस छोड़े गोली चलाए, हम डरने वाले नहीं। ये आप साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे मोहराबादी मैदान में जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में युवा लोग मौजूद हैं, जो है आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। हालांकि आंखों में हम लोगों का भी जलन है, हम लोग सही तरीके से रिपोर्टिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। इस हिसाब से जो है लोग देखिए किस कदर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लोग जो है मोहराबादी मैदान जो है छोड़कर विशाल आनंद जी इनका पैर फट गया, वो अश्रु गैस का गोला क्या आप लोगों पर जो जिस तरीके से वाटर कैनन आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है, ये शेमफुल है मंदसौर के लिए। निहत्थे लोगों के ऊपर इस प्रकार का वार करना बिल्कुल भी कहीं से उचित नहीं है। ये जितना भी गुंडागर्दी करना है कर ले, लेकिन ये सरकार को उखाड़ के दम दम उग्र क्यों हुए, हम लोग उग्र नहीं है, हम लोग अचानक क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया सर, अचानक ऐसा क्यों हुआ, कुछ बोलिए आराम से आराम से। देखिए देखिए जाया जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं गाड़ी में बहुत सारे लोग घायल है वहाँ, हम लोग पूरा शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन उधर से लगातार फट गया, वो अश्रु गैस का गोला क्या आप लोगों पर जो जिस तरीके से वाटर कैनन आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है, ये शेमफुल है मंदसौर के लिए। निहत्थे लोगों के ऊपर इस प्रकार का वार करना बिल्कुल भी कहीं से उचित नहीं है। ये जितना भी गुंडागर्दी करना है कर ले, लेकिन ये सरकार को उखाड़ के दम दम उग्र क्यों हुए, हम लोग उग्र नहीं है, हम लोग अचानक क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया सर, अचानक ऐसा क्यों हुआ, कुछ बोलिए आराम से आराम से। देखिए देखिए जाया जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं